फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस कबाब पराठा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें पराठा बिल्कुल मुगलई स्टाइल में बना होगा। जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी वो मुगलई पराठे की रेसिपी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, कबाब पराठा बनाना शुरू करते हैं। मुगलई पराठा बनाने के लिए हमें 2 कप मैदा चाहिए होंगे। मुगलई पराठा मैदे से ही बनता है, और जिस कप से आपने मैदे को मेज़रमेंट किया है उससे 1/4 कप आप सूजी ऐड कीजिए। 2 कप में मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला है, नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालिए। 2 टेबल स्पून देसी घी यूज़ करना है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में अब हमें 1 कप दूध लेना है। ये आटा हमें दूध से ही गूंदना होता है। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी ऐड की है, और साथ में 1 टेबल स्पून क्योरा वाटर डालना है। दूध में ही हमें इसे मिक्स करना होगा, क्योरा वाटर को भी, और साथ में हम इसमें डाल लेंगे मीठा अतर। 2 ड्रॉप्स हम इसमें से मीठा अतर ले लेंगे और इस दूध में डाल लेंगे। और अब चीनी, क्योरा वाटर और मीठा अतर को दूध में अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसी दूध से हमें आटे को गूंदना है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम फटाफट पहले इस आटे को अच्छे से घी में और नमक के साथ मिक्स कर लेंगे, और फिर हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इस आटे को मिक्स करेंगे। इसे हमें नॉर्मल आटे की तरह ही गूंदना है, ना ज़्यादा हार्ड होगा और ना ही बहुत सॉफ्ट होगा। जैसे हम रोटी और पराठे के लिए आटा गूंदते हैं, हमें उसी तरह से इसे गूंदना है। इसे हमने गूंद लिया है, और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे हो चुके हैं, तो चलिए अब इसका हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से जैसे हम पराठा बनाते हैं, रोटी बेलते हैं, उसी तरह से पहले इसकी हमें एक लोई लेनी है और फिर इसे हमें बेलते जाना है। ये आटा बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, फटाफट बेल जाएगा। ये देखिए, नॉर्मल पतले रोटी की तरह हमें बेलना है, और हाथ पे ऐसे अल्टा पलटा करके इसकी लेंथ बढ़ा लेनी है, और अब इसे हमें सेकना है। इस पराठे को हम बनाएंगे कढ़ाई को पलट करके। आप अक्सर रेस्टोरेंट में या किसी भी होटल में देखते होंगे इस शेप जैसी तवा पे ही वो पराठे को सेकते हैं। तो अब हमें पानी लेना है, और नॉर्मल पानी में हमें नमक ऐड कर लेना है, और इस नमक के पानी को हमें इस गरम कढ़ाई पे पहले छिड़क लेना है। नमक वाले पानी को कढ़ाई या तवे पे डालने से जब हम रोटी, पराठा या नान कुछ भी बनाते हैं वो अच्छे से चिपक जाता है। कढ़ाई अच्छी गर्म होनी चाहिए, और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई होगी। और अब हमें पराठे को इस पर सेकना है, तो हाथ में एक बार अलट पलट कर लेंगे और फिर इसे हम चिपका लेंगे। आप देख सकते हैं पराठे के ऊपर बबल्स आने लगे हैं। 2 से 3 मिनट हमें एक साइड तक इसे सिकने देना है। ये अच्छे से चारों तरफ सिकने लगेगा, और फिर इसे हमें पलट लेना है। आप देख सकते हैं पराठे का कलर चेंज होने लगा है, मतलब ये एक साइड से सिक चुका है। तो अब इसे हमें फ्लिप करके दूसरे साइड भी सेकना है। तो इस तरह से हम इसे पलट लेंगे, और देखिए क्या प्यारा सा कलर आया है इसका। 2 से 3 मिनट हमें इसे दूसरे साइड से भी सेक लेना है, और अब इसके ऊपर हमें देसी घी लगा लेना है। आप चाहे तो इसके ऊपर बटर भी लगा सकते हैं। ऊपर के साइड अच्छे से घी लगा लेने के बाद अब इसे हमें पलट लेना है, और फिर दूसरे साइड भी घी लगा कर इसे सेकना है। इसे हम पलट लेंगे, और फिर एक साफ कपड़े से इस तरह से इसे दबा दबा कर अच्छे से सेक लेंगे, और फिर ऊपर के साइड से हमें घी लगा कर इसे पलट कर फिर से सेकना है। और इसी तरह से बहुत ही परफेक्ट मुगलई पराठा हमारा तैयार होगा। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, कढ़ाई पे इजीली ये बन जाता है। अगर आपके पास उस तरह का तवा नहीं है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप इस तरह से आराम से ये मुगलई पराठा तैयार कर सकते हैं। इसी प्रोसेस से हम दूसरा पराठा भी बना लेंगे, और इसी तरह से हम सारे पराठे को इस कढ़ाई पे ही बनाकर आपको दिखाएंगे। और अगर आप चाहें तो इसे तवे पे भी बना सकते हैं। मैं आपको तवे पे भी बनाकर दिखाऊंगी कि ये कैसे बन सकता है। ये बेहतरीन ज़बरदस्त मुगलई पराठा बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। आप एक बार इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, और फिर देखिए कितना ही बढ़िया इसका टेस्ट होता है खाने में। चलिए मैं आपको अब ये बताती हूँ कि हमें तवे पे इसे कैसे सेकना है। तो गरम तवे पे हमें नमक वाला पानी छिड़क लेना है, और उसके ऊपर हमें इस पराठे को डालना है। और फिर जैसे मैंने पराठे को सेका है घी लगाकर दोनों साइड से,
सेम उसी तरह से हमें इस पर भी पराठे को सेक लेना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दोनों में फर्क क्या है, कढ़ाई पे या फिर तवे पे? तो टेस्ट में तो ऐसे कोई फर्क आएगा नहीं, मगर हाँ, जब आप कढ़ाई पे बनाएंगे तो उसका लुक और वो जो बनकर तैयार होगा उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। मुगलई पराठा हमारा रेडी है, तो चलिए अब हम कबाब पराठे की असेंबलिंग कर लेते हैं। कबाब को मैंने पहले से फ्राई करके रख लिया है। कबाब का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे, मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। कबाब को हमें पराठे के ऊपर चारों तरफ से इस तरह से फैला लेना है, और अब इसके ऊपर हमें स्लाइस की हुई प्याज डाल लेनी है, और फिर इसके ऊपर हमें नींबू को स्क्वीज कर लेना है, जिससे टेस्ट और बढ़िया आएगा। और फिर इसके ऊपर मैं हरी चटनी डाल लूंगी, हरी चटनी का भी लिंक मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ। और फिर इसे हमें पहले दोनों साइड से फोल्ड करना है, और फिर इस तरह से हमें रोल कर लेना है, और इसी तरह से हमें सारे कबाब पराठों को अच्छे से रोल कर लेना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कबाब पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है। लग रहा है ना, बिल्कुल स्ट्रीट फूड स्टाइल। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन लगता है खाने में। आप इसे एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। और अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका लुक कितना अच्छा आया है, इसका टेस्ट इतना बढ़िया आया है कि मैं आपसे क्या बताऊँ। आपने देखा होगा, आटे में मैंने नमक डाला था और दूध में मैंने चीनी डाली थी, जिससे इन दोनों का जो बैलेंस बना है बहुत ही बढ़िया आया है टेस्ट। इसे आप स्नैक्स में या सहरी में भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी, हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।